बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात को आगे लेके चलेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है फर्स्ट सेकंड ईयर का, और इसमें जो तो बात हम लेके चल रहे हैं आज, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या? जब भी कोई एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा हो, और पर्टिकुलरली वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम हो, छोटे साइज का एटम हो, तो वो बेटा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और वो जब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो एक यूनि नेगेटिव आयन बन जाता है। यूनि नेगेटिव आयन मीन जिसके ऊपर वन नेगेटिव चार्ज। तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करती है, फ्लोराइड का आयन बनता है, और जो एनर्जी रिलीज्ड है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दैट इज नेगेटिव 337। तो ये जो एनर्जी है जो रिलीज हो रही है, दिस वन, ये वाली, दिस इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जी, बात को मजीद आगे लेके चलते हैं। अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये हमेशा नेगेटिव होती है, जैसे यहां पे आपको नजर आ रही है, नेगेटिव साइंस मींस एनर्जी रिलीज हो रही है। हाउएवर एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जब एक और इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एब्सॉर्ब होता है, वो एक आसान टास्क नहीं होता, क्योंकि पहले ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो रिपेल होता है। तो ऐसी सूरत में जो एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन होती है किसी भी एटम के अंदर, तो जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो याद रखिए, हमेशा एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक फिनोमेना, यानी उसमें एनर्जी हमेशा एब्सॉर्ब होती है, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी दे के उसके अंदर भेजना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन ले लें आप, बेटा ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है, ये देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन है, न्यूट्रल एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया, ये ओ नेगेटिव आयन बन गया, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, दिस इज एक्चुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन नेगेटिव है। हाँ, जब ओ पे पहले ही नेगेटिव चार्ज आ चुका हो, इसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन घुसेड़ना चाहे, धकेलना चाहे, तो ये उसको खुशामदेद नहीं कहेगा, हमेशा ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो बेटे हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी इसको हमें आप देनी पड़ती है, तो आप देख लें इसके ऊपर साइन पॉजिटिव आ गया, तो दैट इज एंडोथर्मिक। तो ये 780 किलो जूल पर मोल जो है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। याद रखिए, पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन नेगेटिव होता है, दूसरी का पॉजिटिव होता है, और अगर तीसरी भी हो तो वो भी पॉजिटिव ही होती है, और उसकी वैल्यू सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर एक, न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक रेडियस, बेटे जो छोटे एटम्स होते हैं, छोटे एटम्स बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी ज्यादा अट्रैक्शन देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ड्राइंग कर पाऊं, यस, ये देखिए, ये एक छोटा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एक बड़ा एटम है, और ये बेटे उसका न्यूक्लियस है। अब बाहर से इलेक्ट्रॉन घूमता घुमाता ये जा रहा है, ये, अब ये देखिए, यहां से भी इसके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आपको माशाल्लाह इस बात का अदराक हो गया होगा कि इसका न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, और इसका न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर एटॉमिक साइज लार्जर हो जाए
आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम हो जाती है। और दूसरी बात, तीसरी बात, वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल, अगर ज्यादा वैकेंसीज हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। ठीक है, जरा तवज्जो फरमाइए, ये फ्लोरीन है ना, तो अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p 5 एटॉमिक नंबर इसका बेटा 9 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4। तवज्जो कीजिए बेटा, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो जरा गौर फरमाइए, जहां वैकेंसी एक है वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस। ये देख लीजिए, मोर वैकेंसीज लेस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपने याद रखना। जी बेटा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर आपको इसकी रीडिंग करवा देता हूं। बेटा आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, मैंने हैलोजन्स लिखे हैं। जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो व्हाट हैपन, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने अभी पिछले स्क्रीन पे भी आपको ये बना के दिखाया, तो दैट इज बिकम लेस अट्रैक्टेड, उसकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो बेटा आयो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट विल डिक्रीज, यानी जब भी आप ऊपर से नीचे को आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटे डिक्रीज हो जाए। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे मैं दूसरा पीरियड ही ले लेता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नहीं सॉरी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जब आप इधर से इधर हो जाते हैं तो आपको पता है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स मोर अट्रैक्टेड। जब वो मोर अट्रैक्टेड हो जाएगा तो फिर बेटा सीधी सी बात है, इस सूरत में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट विल इंक्रीज। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं इसकी वर्डिंग क्या कहती है। ये देखिए, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, ग्रुप में किस तरह से वेरिएशन आता है, कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब आप नीचे को आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। और पीरियड में क्या होता है, पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है और उसमें शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट
कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज है उसका बड़ा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट, बड़ा वाजे इफेक्ट होता है ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जी बेटा, अगला हमारा आज सेक्शन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिएक्शन। बेटा पहली बात कि मेटल्स हैं क्या? ऐसे एलिमेंट्स which have tendency to form positive ion, जिनके अंदर ये रुझान हो कि वो पॉजिटिव आइन बनाते हो by losing electron, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए, ठीक है, they are metals। ये देखिए, they are good conductor of heat and electricity, यानी metals हमेशा heat और electricity के अच्छे conductor होते हैं। आपने गौर किया होगा हमारे यहाँ घरों में बहुत सारे बर्तन मेटल्स के बने होते हैं, कुकिंग जो पैन्स होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी तारें आपको पता ही है मेटल्स की होती है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो पानी में रिएक्ट करके बेसिस बनाए। देखिए NaOH है, दैट इज मेटल ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना रहा है? ये एक बेस बना रहा है, दैट इज NaOH। जी बेटा, पीरियोडिक टेबल में मेटालिक रिएक्टर क्या है? देखिए, उसने कहा ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ये टेंडेंसी हो कि वो अपने पॉजिटिव आयन बनाए बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कौन से एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेंगे? जो साइज में बड़े होंगे। तो जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आसानी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है। और इस तरह से क्या होगा, मेटेलिक रिएक्टर इंक्रीज होगा जब आप ऊपर से नीचे को आएंगे, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1A के। बेटा जी, इनको ऊपर से जब आप नीचे को आएंगे तो इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है दैट विल इंक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाते, मिसाल के तौर पर आप ले लें लिथियम, लिथियम को छोड़िए, ऐसे करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर अच्छे मेटल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट, हेंस मेटालिक रिएक्टर डिक्रीज हो जाता है जब आप लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में। जी बेटा, अब दूसरे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है बेटा जी? वो एलिमेंट्स जो नेगेटिव आयन बनाना प्रेफर करें, ठीक है, कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जो पीछे हमने पढ़ा ये बिल्कुल उसका अपोजिट अब सारी स्टोरी चलेगी, दे आर नॉन मेटल्स। वहां क्या पढ़ा था? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां क्या होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जो स्टोरी अभी हमने पीछे पढ़ी है ये उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी वो मेटल्स थे तो ये क्या है, ये नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या बनाते थे? बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल क्या बनाते हैं बेटा? एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड पानी में बेस बनाते हैं, तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड है, ये देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, पानी में एसिड बनाएगा, और आपको पता है H2SO4 इज वेरी फेमस सल्फ्यूरिक एसिड। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? मैंने आपको कहा जो मेटल्स के लिए सही था वो नॉन मेटल्स के लिए उलट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहता है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। हमने अभी पढ़ा था मेटल्स के केस में तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है,
बेटा ऊपर से नीचे को आएंगे, अगर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो फिर अपोजिट क्या होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। तो ईज ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है, बड़े एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते जो छोटे साइज के एटम होते हैं। तो इस वजह से नॉन मेटालिक करेक्टर नीचे को कम होता है, उलट हिसाब। अब आगे क्या है, लेफ्ट टू राइट जब आप चले, एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर लाइकली। मैंने अभी तो कहा कि छोटे जो एटम होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खुशामदीद कहते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खुशामदीद कहेंगे तो हम कहेंगे कि इनका नॉन मेटालिक करेक्टर क्यों है, ठीक है। तो वो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर।